हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब। आज हम मेक और गेट का यूज सीखेंगे और हिंदी में इसका यूज कहाँ और कैसे होता आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव वर्ब, देखिए पॉजिटिव वर्ब, उससे पहले हम कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। आपने सीखना को लर्न पढ़ा है, हंसना को लाफ, रोना का विप, समझना को अंडरस्टैंड, इसी तरह बहुत सारे आपने वर्ब देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सिखाना, हंसाना, रुलाना, समझाना, इसका मीनिंग सर्च किया है? इसका आप अगर सर्च करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आपको हंसना का लाफ मिलेगा लेकिन हंसाने को इसका कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो उसको कैसे बनाया जाता है? उसको दो तरीके से बनाया जाता है। आप इसको बनाने के लिए मेक या फिर आप गेट इसका यूज करेंगे, ठीक है? तो आज हम आपको पूरा हिंदी टू इंग्लिश आपको बताएंगे कि इन सबको आप किसी सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे विद द हेल्प विथ मेक एंड गेट, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मेक का यूज देख लेते हैं। देखिए मेक का यूज हम लोग करते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन को कुछ करने की इच्छा नहीं हो बल्कि उसको जबरदस्ती वो काम करवाया जाता है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें हंसाता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में पर्सन की इच्छा नहीं है लेकिन ये कुछ ऐसा करता है जिससे उसको हंसने पर मजबूर होना पड़ता है। उसने मुझे पिटवाया, बल्कि इच्छा नहीं थी बल्कि उसको फोर्स करके पिटवाया गया। राम मुझसे पत्र लिखवाएगा, इसका मतलब कि इसकी इच्छा नहीं मतलब इसको फोर्स किया जाएगा पत्र लिखने के लिए। सीता तुम्हें रुलाती है, मतलब कि इस सेंटेंस में सीता कुछ ऐसा करते हैं कि ये व्यक्ति रोने लगता है, मतलब कि उसकी इच्छा नहीं है। मतलब कि अगर आपको किसी सेंटेंस पे ये लगे कि उसको कोई काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, उसकी खुद की इच्छा नहीं है, तो उसको हम मेक से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, ये जैसे पहला को आप देखें मैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ, फिर आप मेक लिखेंगे। अभी मेक जो है ये जो टेंस है टेंस वाइज बदलता रहेगा, अगर प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। इसके बाद पर्सन, मतलब कि जो पर्सन को ये किया जा रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद हमेशा ये भीवन होता है सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि चेंज मेक होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये हमेशा आपको भीवन रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, ठीक है? अब चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम इस सबको बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं को आई, फिर मैंने मेक लिखा। अब हंसाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई के अकॉर्डिंग ये एसीएस इसमें नहीं लगता, तो आई मेक। उसके बाद पर्सन किसको, तो तुम्हें, तो मैंने यू लिखा। उसके बाद भीवन लिखना था तो लाफ मैंने लिख दिया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। उसने मुझे पिटवाया, ये पास्ट का है, तो देखिए ही, उसके बाद मेक का होता है पास्ट मेड। उसके बाद मुझे, मुझे का मैंने लिखा मी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम लिख भी देते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में ये रहेगा। अब यहाँ ही मेड आई नहीं लिखेंगे, ठीक है? राम उसे पत्र लिखवाया, राम विल मेक मी राइट अ लेटर। यहाँ देखिए अब ये फ्यूचर का होगा, फ्यूचर में विल सेल होता है तो राम के अकॉर्डिंग विल होगा, तो मैंने विल लिखा। उसके बाद भीवन यूज होता है और यहाँ भी भीवन, और इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर, तो मैंने यहाँ लेटर लिख दिया। सीता तुम्हें रुलाती है, अब देखिए सीता मेक्स, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था और इसमें क्या हो गया कि एस या एस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो मैंने मेक्स लिख दिया। और यू, यू का नॉमिनेटिव कहिए या ऑब्जेक्टिव कहिए, यू ही होता है। उसके बाद यू, और उसके बाद रुलाना का विप मैंने लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लास्ट है तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और आई एन जी लगता है, तो यू के अकॉर्डिंग आर लगेगा। यू आर मेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मेरा का मी, और राइट भी वन जैसा कि यहाँ लिखा गया था, और योर होमवर्क ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है? तो इस तरह से मेक का यूज होता है जहां पर किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाता है किसी काम को करने के लिए। इसमें सब जो है अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से मेक का यूज यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप चाहेंगे तो इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, यहाँ डिड लगा देंगे, यहाँ डू लगा देंगे, डज लगा देंगे, ठीक है? जैसे
सीता डज नॉट मेक यू विप, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे सेंटेंसेस आप फ्रेम करते हैं इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, वो ये भी वैसे ही होता है जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो इस तरह से मेक के बाद चलिए अब गेट का यूज देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है गेट। गेट में क्या होता है कि मेक का ऑपोजिट होता है। इसमें आपको कोई काम करवाने के लिए उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि उसको मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। ये किसी सेंटेंस को देखते हैं, वो घर बनवाता है, ठीक है। अब घर आपको अगर बनवाना हो तो आप फोर्स तो नहीं करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरा घर बनवा दो। जैसे अगर बाल कटवाना हो तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसका बाल काट दो या मेरा बाल काट दो, ऐसा तो होगा नहीं कि उसको फोर्स करेंगे। तो ये सेंटेंस ऐसे पहले जस्ट मैंने तुम्हें हंसाया, तो उसमें पूछा नहीं जाता, मतलब कि ऐसा कुछ उसने किया कि वो मजबूर हो गया हंसने पर, लेकिन इसमें आप मजबूर नहीं कर सकते। अगर यही सेंटेंस को आप मेक या मेक में बदल कर अगर बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि फोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको गेट में बनाते हैं तो एक तरह का रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर गेट यूज करेंगे, और अब ये गेट जो है वो टेंस वाइज वो चेंज होगा, गेट्स हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। इसके बाद आप रखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में रहेगा, मतलब कि आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं थर्ड और यहाँ भी, यहाँ चेंज होगा टेंस वाइज और यहाँ फिक्स है कि हमेशा भी थ्री ही यूज होगा। तो चलिए अब एक एक को सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए पहला है उसने पुस्तक लिखवाया, सबसे पहले उसने का ही मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट फिर गेट लिखना है, तो ये पास्ट है, तो पास्ट में आप गेट नहीं गॉट लिखते हैं, भी टू। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना था, तो ऑब्जेक्ट पुस्तक है तो पुस्तक का द बुक, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल किसका लिखेंगे, राइट का, मतलब कि राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, ठीक है। हरीश एक पत्र लिखवाता, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, तो यहाँ पर गेट्स हो गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लेटर, और उसके बाद हमेशा की तरह भी थ्री रिटन, मैं खाना खिलवा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तो आई एम गेटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, उसके बाद वर्ब ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। वो घर बनवाता है तो ही गेट्स होम मेड, यहाँ पर देखिए ही और बनवाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो गेट्स हो जाएगा, उसके बाद घर का होम, और उसके बाद बनाना का मेक, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। राजेश घर बनवा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज हैव लगता है, तो मैंने राजेश के अकॉर्डिंग हैज लगा दिया। उसके बाद भी थ्री यहाँ भी, और भी थ्री यहाँ तो लगेगा ही, तो राजेश हैज गॉट होम मेड। अगर आप इन सब सेंटेंस को मेक में बनाएंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। यहाँ पर सारे सेंटेंस का मतलब होता है कि आपने हर किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट किया है ये काम करने के लिए, लेकिन इसी सेंटेंस को आप मेक से बना देंगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि आपने उसको फोर्स किया है वो काम करने के लिए। राजेश घर बनवा चुका है, मतलब उसको फोर्स किया गया था, लेकिन यहाँ पर गेट लगा है, मतलब कि गॉट लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि रिक्वेस्ट करके बनवाया गया था। तो इस तरह से गेट और मेक ये दो पॉजिटिव वर्ब थे जो मैंने आपको बता दिया। समझना का कोई स्पेलिंग नहीं होता है, समझना का स्पेलिंग होता है, लेकिन समझाना का कोई स्पेलिंग नहीं होता, उसके लिए आप मेक अंडरस्टैंड लिखते हैं, यही था पॉजिटिव वर्ब। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप खुद से ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे और उसको बनाएंगे, कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।